हेलो एवरीवन, मैं पिंकी चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपका अपना चैनल ज्ञान नीति टू वो सक्सेस चैनल में। ये जो हमारा पजल का सीरीज चल रहा है उसमें आज हम सेट थ्री करेंगे, ठीक है। क्योंकि जितने भी हम सेट करेंगे हर सेट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पजल को हम करते रहेंगे। तो चलते हैं, आज देखते हैं कि आज हम किस टाइप के पजल को रखे हैं, उसे आज हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। तो ये आज का हमारा पजल है जिसमें कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया। आप जिसमें कंफर्टेबल हो उससे आप पहले प्रैक्टिस कर सकते हो, देन आप हमारे वीडियो देख के एक्सप्लेनेशन, और अगर नहीं आता तो वहाँ से आप सीखने की कोशिश करो, ठीक है। तो चलते हैं हम यहाँ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं कि स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली, आंसर द बिलो क्वेश्चन, ठीक है। फाइव पर्सन राहुल, रतन, रैनित, रिचा एंड रैसिक आर सिटिंग अराउंड अ कॉर्नर ऑन द पेंटागोनल टेबल। मीन्स की टेबल कौन सा है, पेंटागोनल है, ठीक है। बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, सम ऑफ आर फेसिंग इन साइड एंड सम ऑफ आर फेसिंग आउट साइड द टेबल। मैं तो कुछ अंदर की ओर फेस किया गया है, कुछ बाहर की ओर फेस किया गया। नोट में क्या दिया गया इसे हम पढ़ लेते हैं। फेसिंग द सेम डायरेक्शन मीन्स इफ वन फेसेज इन साइड देन द अदर आल्सो फेसेज इन साइड। सही बात है, अगर सेम डायरेक्शन बोलेगा तो मीन्स कि एक अंदर तो दूसरा भी फेस सेंटर की ओर ही होगा। और अगर फेसिंग द अपोजिट डायरेक्शन मीन्स कि इफ वन पर्सन फेसेस इनसाइड एंड देन द अदर पर्सन फेसेस आउटसाइड। सेम इसी तरीके से अगर आपको बोलेगा कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक अंदर की ओर तो एक बाहर की ओर रहेगा फेस किया हुआ, नहीं दूसरा अगर बाहर की ओर फेस करेगा तो दूसरा पर्सन क्या करेगा, अंदर की ओर फेस करेगा, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ से हमारा क्या होता है, कंडीशन स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पेंटागोनल बना लेते हैं, ठीक है। तो पेंटागोनल बना लेते थे, इस तरीके से हमारा पेंटागोनल बनता है, ठीक है। तो पेंटागोनल सबसे पहले हम बना लेते हैं। चलो अब ये हो गया। अब इसमें क्या हो जाएगा, पांच पर्सन, वन टू थ्री फोर एंड फाइव। अब क्या कर रहा है, रसल सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ रेनित, रेनित के, ठीक है, रेनित के राइट में सेकेंड नंबर पे कौन बैठा हुआ है, रसल। और क्या कर रहा है, बोथ आर फेसिंग द अपोजिट डायरेक्शन। इस दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, अपोजिट डायरेक्शन है। रिचा इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ नाइदर रसल नोर रतन। तो रिचा जो है, ये रिचा जो है वो क्या कर रहा है, ना तो वो रतन का और ना ही वो रसल का क्या है, नेबर पड़ोसी है, ठीक है, दोनों का पड़ोसी नहीं है, क्रॉस कर देंगे। रिचा एंड रत्ना आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन। रिचा एंड रत्ना मीन्स कि रिचा ये हो गया, रत्ना ये हो गया, ठीक है। ये दोनों क्या है, ये दोनों सेम डायरेक्शन, इस तरीके से हम लिख देंगे कि ये दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन फेस किया हुआ है। अब इमीडिएट नेबर ऑफ रसल फेसिंग द अपोजिट डायरेक्शन मीन्स कि ये अगर रसल यहाँ पे है, ठीक है, तो इसके नेबर मीन्स कि ये दोनों इसके पड़ोसी हो गए, तो ये दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन देख रहा है, ठीक है। यहाँ ये भी क्लियर है, अपोजिट डायरेक्शन देख रहा है। अब आगे देखते हैं, इमीडिएट नेबर ऑफ रैसिक फेसिस द सेम डायरेक्शन। तो जो रैसिक है, ठीक है, उसके जो नेबर वाले हैं ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये दोनों क्या है, ये दोनों सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, क्या है, सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, अपोजिट डायरेक्शन, पता है अपोजिट लिख देंगे हमें समझ जाएंगे अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है। रिचा डज नॉट फेस द इनसाइड द टेबल। अब देखो इसके बारे में पता चल गया, किसके बारे में, रिचा के बारे में, कि रिचा क्या है, इनसाइड द टेबल नहीं है। मीन्स कि रिचा क्या हो जाएगी, आउटसाइड द टेबल, रिचा का फेसिंग क्या हो जाएगा, बाहर की ओर हो जाएगा। तो कहीं एक जगह आप रिचा को मान लो, अगर मान के चलो रिचा को आप यहाँ पे लेते हो, ठीक है, अगर यहीं पे हम रिचा को ले लेते हैं तो रिचा के क्या हो जाएगा, बाहर की ओर फेस हो जाएगा, क्लियर है। रिचा का फेसिंग क्या हो जाएगा, बाहर, तो बाहर की ओर फेसिंग है। अब आप देखो यहाँ पे एक रत्ना है और एक क्या है, रोशन। तो ये दोनों जो है
क्या है, ये दोनों सेम डायरेक्शन, मींस कि ये दोनों क्या हो जाएगा कि इसके नेबर नहीं होगा, ना तो यहाँ ना तो यहाँ। अब क्लियर है कि रतन और ये रोशन, ये दोनों का सीट यहीं पे होगा, रतन और किसका, रोशन का सीट यहीं कहीं पे होगा, ठीक है। चलो यहाँ तक क्लियर है। अब देखो एक चीज और देखो, अगर रेनित के सेकेंड में रोशन होगा तो रेनित अगर हम यहाँ पे रखते हैं, अब तो क्लियर है ना कि यहाँ दोनों पे रतन और रोशन का ही सीट है और किसी का सीट नहीं हो सकता है, ठीक है। इस दोनों पे किसका, रत्न और रोशन का ही सीट होता है और तीसरा किसी का सीट नहीं हो सकता, ये दो सीट तो इस दोनों के लिए फिल है। हम लिख नहीं रहे क्यों, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि एक ही कंडीशन में दोनों को सीट कराने की, ठीक है, इसीलिए हम नहीं लिख रहे हैं। और आप भी ऐसे ही करो कि ज़्यादातर मैक्सिमम कंडीशन को क्या करो, माइंड में याद रखने की कोशिश कर लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे क्या, अगर हम दो कंडीशन लेके चलते तो सिंपल, एक में रतन को यहाँ पे बैठा था, दूसरा में रतन को यहाँ पे, एक में कौशल को यहाँ पे, दूसरा में कौशल को यहाँ पे बैठा के हम दो कंडीशन लेके चलते, आराम से हमारा क्लियर हो जाता, ठीक है। बट हम दो कंडीशन लेके नहीं चल रहे हैं, तो अब इसमें क्या है कि रतन ये है जो है रेनित, इसके लिए एक या तो यहाँ पे बैठेगा या तो यहाँ पे बैठेगा, दो ही सीट बैठेगा। तो चलो अगर रेनित को यहाँ पे बैठाते हो, तो रेनित को अगर यहाँ पे बैठाते हो तो रेनित के राइट में सेकंड नंबर पर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर पे आपका राहुल हो जाएगा, ठीक है। रेनित के राइट में सेकंड नंबर पे राहुल हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे देते हो तो फेसिंग क्या हो जाएगा, बाहर की। अगर रेनित को करते हो तभी राइट में सेकंड नंबर पे यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, रोशन हो जाएगा ना, रेनित के राइट में सेकंड नंबर पे रोशन। अगर रेनित को यहाँ पे रखते हो, देखो चलो आपके लिए मैं रख ही देती हूँ, ठीक है, रेनित को यहाँ पे रखते हो तो इसकी फेसिंग क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी, तभी तो राइट में सेकंड नंबर पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, रोशन हो जाएगा। तो रोशन का फेसिंग क्या हो जाएगा, अंदर की ओर हो जाएगा ना, रोशन का फेसिंग क्या हो जाएगा, अंदर की ओर हो जाएगा। अब आपको पता है कि यहाँ पे अगर रोशन आ गया तो यहाँ पे रत्न ही आएगा, तो रत्न अगर यहाँ पे आ जाएगा तो रैसिक के लिए सिर्फ और सिर्फ यही सीट बचा। बट आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे था कि रैसिक की जो नेबर है वो दोनों का सेम डायरेक्शन है, तो क्या रिचा और रोशन का सेम डायरेक्शन है, बिल्कुल नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन, तो ये कंडीशन गलत हो गया। अब इस चीज़ को बिना लिखे भी हम कंडीशन को चेक करके यहाँ से मर्ज कर सकते थे, ठीक है, बट आपके लिए हमने एक बार इसको लिख के बता दिया, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हमारा फिक्स हो गया, क्या फिक्स हो गया कि अब जो हमारा रेनित है वो यहीं पे आएगा, ठीक है, रेनित हमारा यहीं पे आएगा। अब रेनित का डायरेक्शन क्या दोगे, राइट में, मीन्स कि रेनित का फेसिंग क्या हो जाएगा, अंदर की ओर, तो राइट में सेकेंड नंबर पे यहाँ क्या हो जाएगा, रोशन। अब रोशन यहाँ पे हो जाएगा तो रेनित का फेसिंग अगर अंदर की ओर है, दोनों अपोजिट है, तो रोशन का क्या हो जाएगा, बाहर की ओर फेसिंग हो जाएगा, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे अब रत्ना आ जाएगी, ठीक है, अब यहाँ पे रत्ना आ जाएगी। अब देखो रत्ना और रिचा का फेसिंग क्या है, सेम डायरेक्शन, अगर रिचा बाहर की ओर देख रही है मीन्स कि रत्ना भी बाहर की ओर देख रही है, क्लियर है। अब रोशन यहाँ पे है, ठीक है, अब रोशन के जो नेवर में है उसका अपोजिट डायरेक्शन, मीन्स कि ये बाहर की ओर देख रहा है तो ये क्या हो जाएगा, अंदर की ओर हो जाएगा। ये बाहर की ओर है तो इसका फेसिंग क्या हो जाएगा, अंदर की ओर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, रैसिक यहाँ पे बैठ जाएगा, तो रैसिक के लिए ये जगह हो गया। अब देखो ये जो कंडीशन था ना, ये रैकेस के जो पड़ोसी है उसका फेसिंग सेम डायरेक्शन था, यहाँ पे देखो इसका पड़ोसी, ये दोनों का फेसिंग क्या है, सेम डायरेक्शन है, मीन्स कि इसका भी फेसिंग बाहर है और इसका भी फेसिंग बाहर है, तो ये हमारा बिल्कुल अरेंजमेंट सही बैठा। और इस पे अगर अरेंजमेंट बैठ गया तो क्वेश्चन तो हम लोग को सॉल्व करने आता ही है, क्वेश्चन तो हम यूं ही सॉल्व कर लेते हैं, सबसे मेन होता है हमारा अरेंजमेंट बैठना, जो कि जल्दी नहीं हो पाता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि अरेंजमेंट हमारा कैसे, हम लोग कंडीशन को चेक करते हैं फिर कोशिश करते हैं कि कंडीशन को कैसे मर्ज करें, क्लियर है। यहाँ तक चलते हैं हम सेकेंड पजल पे, तो ये रहा हमारा सेकेंड पजल,
इसमें क्या कह रहा है इस पजल में देखो, सबसे पहले क्या कह, 9% सिया, सोनिया, सोना, स्नेहा, सुधा, सिबी, श्याम और शोमा एंड सुधा आर लिविंग 8 फ्लोर स्टोरेज बिल्डिंग। ठीक है, 9% है बट फ्लोर क्या है, 80 है। द लोएस्ट फ्लोर इज नंबर एज 1, द वन अबव दैट इज नंबर एज 2 एंड सो ऑन। तो मतलब कि टॉप मोस्ट फ्लोर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8, 7, 6, 5, 4 इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, 2% आर लिविंग ऑन वन ऑफ द फ्लोर। सिंपल सी बात है, अगर 9% है, 80 फ्लोर है, तो एक फ्लोर पे 2% बैठेगा। ऑल द एबव इंफॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। यहाँ तक तो हमारा कंडीशन था, अब यहाँ से मेन हमारा क्वेश्चन का कंडीशन स्टार्ट होता है। ठीक है, यहाँ से पढ़ेंगे और क्वेश्चन के कंडीशन को हम नोट करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन को, पजल को हम सॉल्व करते हैं। ये हमारा फ्लोर बेस्ड पजल है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 8 बिल्डिंग है, मीन्स की 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। ठीक है, तो ये हमारा फ्लोर बेस्ड पजल हो गया। ठीक है, फ्लाइट है, फ्लाइट तो है नहीं, फ्लोर हो गया। ठीक है, तो चलो अब इसमें हम क्या करते हैं, इसी में हम दो कंडीशन को एक दूसरे से मर्ज करने की कोशिश करेंगे। मीन्स कि इसी में अगर पॉसिबल होगा तो हम दो कंडीशन लेते हुए चलेंगे। चलते हैं, सबसे पहले यहाँ से कंडीशन नोट करने की कोशिश करते हैं। सोमा लिव्स एंड ऑड नंबर फ्लोर। तो सोमा जो है वो क्या है, ऑड नंबर फ्लोर पे है। तो ऑड मीन्स कि क्या हो जाता है, 3, 5, 7 या 1 इस तरीके से फ्लोर पे उम्र रहेगी। नंबर ऑफ फ्लोर एबव सोमा इज सेम एज द नंबर ऑफ फ्लोर बिलो सोना। इसको आप कैसे कंडीशन नोट करोगे, इस तरीके से नोट कर लो कंडीशन को कि सोमा के ये क्या लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ फ्लोर एबव सोमा मीन्स कि सोमा के ऊपर ऊपर करके यहाँ पे सोमा कर दो और यहाँ पे नीचे लिख के क्या है सोना ना, तो सोना को कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऊपर, इसका हो जाएगा ऊपर, इसका हो जाएगा नीचे। तो ये जितना फ्लोर इसके ऊपर, इतने ही फ्लोर इसके नीचे है। सीरिया लिव्स 2 फ्लोर एबव सोना। सोना के ऊपर 2 फ्लोर ऊपर कौन है, सोमिया मीन्स की सेकेंड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सीरिया हो जाएगी। ठीक है, चलो यहाँ तक हो गया। सोनिया इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ सुधा। सुधा के, सुबह के इमीडिएट नेबर में कौन है, मीन्स कि ऊपर या नीचे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोनिया नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे भी सोनिया नहीं होगी, इसको कैंसिल आउट कर दो कि नहीं होगी, नेबर में नहीं होगी। श्याम लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर। तो श्याम क्या हो जाएगा, इवन नंबर फ्लोर पे। तो चलो ये कंडीशन को अलग करते हैं। ठीक है, कंडीशन को लिखते हैं सही से। तो श्याम का क्या हो जाएगा, तो चलो श्याम जो है वो इवन नंबर फ्लोर पे है। क्या है, इवन नंबर फ्लोर पे। चलो यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद फिर क्या करें, 2% आर लिविंग बिटवीन सोना एंड सुबह। तो सोना के और सुबह के बीच में 2 लोग बैठ रहे हैं, 2 2 पर्सन बैठा हुआ है सोना और सुबह के बीच में। तो 2 पर्सन सुबह के बीच में बैठ रहा है। क्लियर है यहाँ तक। हु लिव्स एन इवन नंबर फ्लोर। हु किसके लिए है, सुबह के लिए। ये क्या है, इवन नंबर फ्लोर पे है। तो इवन ऑड मीन्स कि सोना क्या हो जाएगा, ये ऑड नंबर फ्लोर पे होगी, या तो ऊपर या तो नीचे, बात बराबर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या जगह, सीबी लिव्स एन इमीडिएट नेबर ऑफ नाइदर सीरिया नोर सोना। सोना या सीरिया के नेबर में, मतलब कि नेबर मतलब कि उसके ऊपर या नीचे में सीबी नहीं हो सकते। सीबी लिव्स एन इमीडिएट नेबर ऑफ नाइदर सीरिया नोर सोना। तो मीन्स कि इसको ऐसे लिख सकती हो कि सीरिया एंड सोना, ठीक है, सोना इस दोनों के नेबर में कौन नहीं होगी, सीबी नहीं होगी। तो मीन्स कि सीबी को इस तरीके से कैंसिल आउट कर देते, मीन्स कि इस दोनों के नेबर में नहीं होगी। क्लियर है। ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन सोनिया एंड सुधा। सोनिया एंड सुधा के बीच में, सुधा के बीच में केवल 1 पर्सन है। ठीक है, इसको इस तरीके से कंडीशन को सेपरेट करके हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये कंडीशन पूरा अच्छे से समझ में आ गया कि कैसे कंडीशन को हम नोट कर रहे हैं।
ठीक है, ये सब अलग अलग कंडीशन है, हर एक कंडीशन को हमने नोट कर लिया। अब यहाँ से देखते हैं कि किस तरीके से इस कंडीशन को मर्ज करेंगे और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको कंडीशन तो नोट करना अच्छे से आ गया। चलते हैं अब हम कंडीशन को मर्ज करते हैं। अब हम चलते हैं, देखते हैं कि इसको हम मर्ज कैसे करेंगे। ठीक है, तो मर्ज करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपको इसमें ये देखना होगा कि कौन सा कंडीशन से हम उठाए ताकि हमारा कंडीशन बिल्कुल फिट बैठे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो, सोमा और सोनू, सोना के बारे में क्या देखे कि सोमा के ऊपर जितना है उतना ही सोनू, सोना के क्या है, नीचे पर्सन है। ठीक है, और सोमा के बारे में क्या दिया कि ये ऑड नंबर पर्सन पे है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहीं से मर्ज करने की कोशिश करेंगे और यहीं से कंडीशन को भी पिक करते हैं। ठीक है, तो देखो सोमा क्या है, सोमा को अगर हम ऑड नंबर पे, अगर सोमा को यहाँ पे देते हैं, मींस कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोना हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, सोना हो जाएगी। चलो अगर ऑड नंबर फ्लोर पे, यहाँ पे अगर यहाँ पे आप सोमा को देती हो, ठीक है, अगर आप सोमा को यहाँ पे देते हो तो इसके नीचे टू फ्लोर है, तो इसके नीचे भी ऊपर में टू फ्लोर हो जाएगा, मीन्स कि यहाँ पे सोना हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोना हो जाएगा। कलर पेन का चेंज करते हैं। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे ये हो गया, अब देखो ये कंडीशन हमारा हो गया, ये भी हो गया। अब इससे देखो कि सोना और ये क्या है, सुधा, इसमें क्या है दिया गया कि सोना और सुधा के बीच में दो फ्लोर है, और वो क्या है कि, और ये जो सुधा है वो इवन नंबर फ्लोर पे है, तो सोना यहाँ पे है, तो एक दो मीन्स कि यहाँ पे सुधा हो सकती है, सुबह जो है वो यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, और इसमें देखो कि अगर नीचे जाते हो तो एक दो मीन्स की सोमा यहाँ पे है, इसके बीच में बोला हुआ था कि टू पर्सन है। ठीक है ना, कि टू, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टू पर्सन आर लिविंग बिटवीन सोना एंड सुबह, तो इसके बीच में टू पर्सन है। ठीक है, पर्सन है। ठीक है, तो ये हमें भूल नहीं करना। और हमें ये भी दिया गया था कि एक ऐसा फ्लोर है जहाँ पे एक फ्लोर पे टू पर्सन बैठे हुए, तो मे भी हो सकता है कि इसके बीच में भी हो सकता है या के बीच में टू फ्लोर हो सकता है। ठीक है, अभी नहीं पता है। ठीक है, रहने दो। अब उसके बाद फिर क्या कहा गया है यहाँ पे कि श्याम है इवेन नंबर फ्लोर पे है, तो इवेन नंबर हमारे पास कितना बच गया, इसमें अगर देखते हैं तो 2, 4 और 8, तो इस कंडीशन को अभी रहने देते हैं। ठीक है, अब देखो, अब सोना के दो ऊपर क्या है, सीरिया है, तो सोना यहाँ पे है, मीन्स की सीरिया यहाँ पे हो जाएगी, तो सीरिया यहाँ पे हो जाएगी। ये कंडीशन तो ऐसे ही चला गया। ठीक है, इसको छोड़ दो, सीरिया यहाँ पे हो जाएगी। अब ये कंडीशन भी हमारा हो गया, चलो क्लियर है। अब सोना यहाँ पे है तो दो पर्सन उसके बीच में, देखो यहाँ पे अगर टू अलग अलग पर्सन देते हैं तो यहाँ पे पहले से सोमा है, मीन्स कि ये क्लियर नहीं। अब ये क्लियर है कि यहाँ पे है कि डेफिनेटली क्या हो जाएगा, इसमें दो ऑब्लिंग हो के, मीन्स कि टू पर्सन यहाँ पे बैठेगा, तभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सुबह हो जाएगा। ठीक है, तो सुबह को हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक ठीक है। तो ये भी हमारा कंडीशन इसमें हो गया। अब देखो यहाँ पे हो गया, अब ये यहाँ पे क्या है कि श्याम जो है वो इवन नंबर पे, अब इसमें इवन नंबर सिर्फ और सिर्फ टू ही देख रहा है, मीन्स कि क्लियर है कि क्या हो जाएगा, श्याम यहाँ पे बैठ जाएगा, तो श्याम के लिए ये हो गया। अब श्याम के लिए ये हो गया, चलो अब यहाँ पे इसको देखो क्या है कि सीवी जो है सीरिया और सोना का नेबर नहीं है, मीन्स कि सीरिया और सोमा, सोना, तो ये दोनों फ्लोर पे नहीं बैठ सकता है, मीन्स कि अब एक ही वन में फ्लोर बैठा, मीन्स कि सीवी के लिए ये हो गया। तो ये किसका हो गया, सीबी का हो गया, कि सीबी यहाँ पे हो गया, कि सीबी का एकदम फिक्स हो गया। ठीक है, चलो ये भी कंडीशन हमारा हो गया। अब क्या कह रहा है, सोनिया और सुधा के बीच में वन पर्सन है, मींस कि सोनिया या तो यहाँ बैठेगी, या तो सुधा यहाँ पे बैठेगी, या सुधा यहाँ बैठेगी तो सोनिया यहाँ बैठेगी। ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि सुभा जो है वो सोनिया के नेबर में नहीं है, कौन, सुधा, सुभा, तो अगर सुभा यहाँ पे है तो मीन्स कि सोनिया यहाँ पे नहीं आ सकती है। ठीक है, सुधा अगर यहाँ पे सुभा बैठी हुई है, मीन्स कि सोनिया यहाँ पे नहीं हो सकती है। अब यहाँ से क्लियर है कि सोनिया क्या हो जाएगी, वो यहीं पे बैठेगी, तो चलो यहाँ पे क्या करते हो, सोनिया को बैठा दो। ठीक है, तो सोनिया यहाँ पे बैठेगी। अब क्लियर है कि सुधा जो है वो यहीं पे हो जाएगी, तो सुधा के लिए हम ये ही फ्लोर बैठा देते हैं कि यहाँ पे सुधा हो जाएगी। अब एक पर्सन जो बच गया है, और यहाँ पे टू पर्सन का फ्लोर बना हुआ था कि ये पांचवा नंबर जो फ्लोर है
इसमें क्या है, टू पर्सन बैठेगा, तो हम देखते हैं कि कौन सा, सीरिया हो गया, सोनिया हो गया, सोना हो गया, स्नेहा बच गया, ठीक है। तो यहाँ पे कौन हो जाएगी, स्नेहा हमारा यहाँ पे हो जाएगा, कि स्नेहा हमारा ये हो जाएगा। आपने देखा कि किस तरीके से हमने दो कंडीशन लेके चला, पहला कंडीशन कैसे हमारा कैंसिल आउट हो गया। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया।